मुझे को होस्ट बनाया जाए सर। जी सर, जी सर। अभी जाएगा क्या हुआ बोला? सर मैं रत्नेश सर से आग्रह करना चाहता हूँ कि पाठक जी को कोवेट बनाए सर। ये 5 बजे जाता है, आज लेट हो गया। कहाँ है? जी जी सर, बन रहे हैं कोर्ट, इन शहर पे आ रहे हैं। हाँ जी सर, जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? सर जी सर, दिख रही है, दिख रही है सर, बहुत शानदार दिख रही है सर। मैं आज पहली बार प्लान बताने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों के माध्यम से सीखा हूं सर, जो बताने का प्रयास कर रहा हूं सर। ना रोटेट कर लीजिए ना उसको, आप अपने स्क्रीन के सबसे नीचे रोटेट है उसको करके और मोबाइल तिरछा रख दीजिए तो फुल स्क्रीन आएगा सर। यस यस, गुड सर, गुड गुड, बिल्कुल, और ऊपर चलिए, जी बस। सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर मैं आरसीएम मार्केटिंग प्लान बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सभी अपनी जीविका चलाने के लिए कोई न कोई काम करते हैं सर, जैसे नौकरी, खेती, व्यापार या मजदूरी। काम से हमें पैसा मिलता है और पैसा हम अपनी जरूरतों में खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं सर? बाजार में। जी जैसे परंपरागत बाजार व्यवस्था, इसमें सर परंपरागत बाजार व्यवस्था में कंपनी और ग्राहक, अगर कंपनी कोई भी सामान या प्रोडक्ट बनाती है तो हम ग्राहक के पास वो 10 रुपया में, अगर 5 का कंपनी बनाए तो ग्राहक को 10 रुपया मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कंपनी से कोई भी अगर प्रोडक्ट तैयार हुआ तो हम ग्राहक को नहीं जल्दी पता ही नहीं चलता और ना पहुंचता है, इसमें बीच में ही सब अटके चालू रहते हैं सर। जैसे अगर हम सामान को, मुझे कुछ खरीदना है तो हम छोटी सी दुकान रिटेलर के पास जाते हैं और वहां पे हम कस्टमर रहते हैं और कस्टमर बन करके दुकान पे जाते हैं रिटेलर के पास। रिटेलर भी यानी उसका नाम है फुटकर विक्रेता, वो भी सामान को बनाता नहीं, वो लाता है थोक विक्रेता से। थोक विक्रेता भी सामान को नहीं बनाता है सर, वो लाता है डीलर से। और डीलर भी सामान को नहीं बनाता, वो लाता है एजेंट से यानी सीएनएफ से। अब सीएनएफ भी सामान नहीं बनाता सर, वो लाता है कंपनी से। अब कंपनी में सबसे अहम भूमिका होती है सर प्रचार का। प्रचार का जो अहम भूमिका होती है, इसमें अगर हमें 5 का सामान 10 में मिला ग्राहक को तो इसका 50% पैसा ये बिचौलिए लोग खा रहे हैं सर। जैसे फिर हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था हुई, हमारे माननीय टीसी छाबड़ा जी के दिमाग में ये आया कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो इस व्यवस्था से बच सकते हैं, जिस तरीके से परंपरागत की व्यवस्था को हम हटा सकते हैं सर। तो उनके दिमाग में ये व्यवस्था आई कि कंपनी वही और ग्राहक वही, अगर हमें बिचौलियों को हटा देते हैं तो इनका और इसमें फायदा, ग्राहक को फायदा होगा सर। तो इसमें क्या किए,
कि अगर हम वो बोल रहे हैं कंपनी हमारी वही है, हम 5 रुपए का प्रोडक्ट बनाएंगे और आपके पास 10 रुपये में पहुंच रहा है, तो ये व्यवस्था को हम क्या करते हैं, कंपनी वाले को वो ग्राहक से बोलते हैं कि कुछ दूर आप चल के आइए और कुछ दूर ग्राहक चल के आए, बीच में बना दिए सर पीयूसी। पीयूसी बनाने के बाद ग्राहक वहां से अगर कंपनी से सामान चला पीयूसी सेंटर तक, पीयूसी सेंटर तक का खर्चा है सिर्फ 5% सर, ग्राहक के पास पहुंचता है 5 रुपया का सामान, अगर बना है तो 10 रुपया में तो मिलता ही था, और जैसे 50 का सामान बनता है तो ग्राहक के पास पहुंचते पहुंचते वो मिलता था 100 रुपये में पारंपरिक व्यवस्था के माध्यम से सर। लेकिन हमारे इस आरसीएम की व्यवस्था में हुआ क्या कि जिस समय पे कंपनी माल तैयार किया 5 रुपये की सर, 5% उसमें पीयूसी में लगा, हमारा बचा कितना 45% पैसा सर। फिर ये किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए उत्पादन वितरण उपयोग प्रचार, उत्पादन कंपनी कर रही है, वितरण कंपनी कर रही है, हम उस हमें सिर्फ उपयोग करना है और प्रचार करना है। आरसीएम क्या है, आरसीएम का फुल फॉर्म राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका सर। कंपनी का इतिहास, कंपनी का नाम हाइसंग शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भिड़वाला राजस्थान, संस्थापक श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, जो कि 1977 से कपड़े के व्यवसाय का लंबा अनुभव, भारत की टॉप 5 शूटिंग प्राइवेट कंपनी में शामिल, वर्ष 2000 से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत, 20 वर्ष का डायरेक्ट सेलिंग का लंबा अनुभव। इस व्यवस्था में शामिल होने के लिए सर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, नामनी का नाम और जन्म तिथि। इस व्यवस्था में शामिल होने से लाभ 10-20% काउंटर डिस्काउंट, 100% शुद्धता की गारंटी, पक्का बिल, 10-32% तक परफॉर्मेंस बोनस, 3-8% रॉयल्टी बोनस, 1-5% तक टेक्निकल बोनस सर। थैंक यू सर, जय आरसीएम। मेरा नाम मनोज पाठक, मेजा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सर। बहुत बहुत